students, first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो students, जो आज की क्लास है ना वो 10th के students के लिए है. ओके, जो 10th के students हैं और जो उनका English subject है वो मैं आज आपको explain करने जा रहा हूँ. ओके, इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ. जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सेक्शन ए, बी और सी एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए. ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूँगा जो आपके 2022 में एग्ज़ाम आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम. ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊँगा आज. किसके क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 आएगा. ओके, डू एज डायरेक्टेड. ठीक है ना, आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा. डू एज डायरेक्टेड इट मीन्स ग्रामर, जो आपका ग्रामर का पोर्शन आएगा. जो 5 नंबर का आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझते हो तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे ना 2022 में, इन्हीं जो आपकी बस आने वाले जो नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है. ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना. ओके, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो. लुक एट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम जस्ट टेलिंग यू. ठीक है, अब देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ. लुक एट, ही डिड हिज वर्क वेल. अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ही डिड हिज वर्क वेल. तो मैं आपको क्वेश्चन किसके समझा रहा हूँ, ग्रामर पोर्शन के. डू एज डायरेक्टेड, जो आपका डू एज डायरेक्टेड में पोर्शन आएगा. ओके, तो देखिए ही डिड हिज वर्क वेल, तो इसका मीन क्या होता है, उसने अपना काम अच्छे से किया. तो टेंस है आपका पास्ट डेफिनेट. ही डिड हिज वर्क वेल, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ही डिड हिज वर्क वेल, उसने अपना काम अच्छे से किया. ओके, आपको चेंज किस में करना है, चेंज इनटू नेगेटिव. इट मींस इस वाक्य को आपको नेगेटिव बनाना है. ओके, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. जो सेंटेंस है ना पास्ट इंडेफिनेट का, उसका आपको स्ट्रक्चर मैं आपको लिख देता हूँ. इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ना, तो कैसे बनता है स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ. देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन देन ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, तो जो ये क्वेश्चन दिया है ना स्टूडेंट्स, आपको किस में चेंज करना है, इस फॉर्मेट में. ठीक है ना, ये साधारण वाक्य ही डिड हिज वर्क वेल, उसने अपना काम अच्छे से किया. अब आपको इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया. तो देखो जो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही रहेगा, तो ही, फिर नेगेटिव में आपको क्या रखना है, डिड नॉट. ठीक है ना, तो ही डिड नॉट, आंसर क्या बनेगा लिख लेना आप, ही डिड नॉट. अब जो ये जो डिड है ना, ये सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म रखनी है. क्या रखनी है, फर्स्ट फॉर्म. तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट डू. डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू. तो ही डिड नॉट डू हिज, उसका सेम टू सेम रखना है, वर्क वेल. ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल. ओके, आप आंसर लिख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे जो मैं आपको आज क्वेश्चन बताऊंगा. ओके, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, 80 out of 80, मतलब 80 में से अगर आपको 80 नंबर चाहिए तो आपका ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल सही होना चाहिए. नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं. ओके, तो देखिए द बॉय इज़ माई कज़िन, तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, द बॉय इज़ माई कज़िन, जो बॉय है ना वो क्या है, मेरा कज़िन है. ठीक है ना, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, मतलब जो बॉय, जो बंदा है वो क्या जीत चुका है, रेस को. मतलब इसमें बोला जा रहा है जो लड़का, जो बॉय है वो मेरा कज़िन है. कज़िन आप समझते हो, चाचा, ताऊ, मामा. ठीक है, इनके जो अपने बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो उनके उनके जो सन या डॉटर होती है उनको कज़िन बोलते हैं. ओके, तो इसका मीन्स क्या होता है, द बॉय इज़ माई कज़िन, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, मतलब बॉय मेरा कज़िन है जो क्या कर चुका है, रेस जीत चुका है. अब आपको इसको करना क्या स्टूडेंट्स, कंबाइन द सेंटेंस इन टू अ रिलेटिव क्लोज. ठीक है ना, मीन्स आपको इस सेंटेंस को किससे कंबाइन करना है, रिलेटिव क्लोज से. ठीक है ना, तो मैं आपका आंसर लिख देता हूँ, आप लिख लेना. ओके, देखिए आंसर क्या बनेगा, द बॉय इज़ माई कज़िन, यहाँ तक तो आपको सेम टू सेम रखना है. अब जो ये वाला पोर्शन है ना, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, इसको आपको क्या बनाना है, हु हैज़, फिर सेम टू सेम,
तो आंसर क्या बनेगा भैया, द बॉय इज माई कजिन हु हैज़ वोन द रेस। ये इसका आंसर है, क्योंकि आपको याद रखना है जब भी जो फर्स्ट क्लोज होता है उसमें कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, बॉय क्या इसमें व्यक्ति है, ठीक है ना, तो जब फर्स्ट क्लोज में कोई व्यक्ति होता है ना, और दो सेंटेंस को मतलब दो एक फर्स्ट सेंटेंस में कोई व्यक्ति है और दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो सेकेंड सेंटेंस में भी ना जो कॉमन सब्जेक्ट वो हट जाता है, कॉमन सब्जेक्ट हट जाता है और उसके प्लेस में इन प्लेस ऑफ दैट उसके स्थान पे आ जाता है हु, क्या जाता है हु। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, लिख लेना आप, द बॉय इज माई कजिन हु हैज वोन द रेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ लुक इट, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला जा रहा है, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है, यदि आप मेहनत नहीं करते हो, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करते हो यू विल फेल, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, यदि आप मेहनत नहीं करते हो आप फेल हो जाओगे। तो उसको आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इफ, मतलब आपको क्या करना है, इन दो वाक्यों को जोड़ना है, कंबाइन करना है, ठीक है ना, किसका यूज करते हो, इफ का, आपको क्या लगाना है, इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब आपको अनलेस को हटाना है और इफ को लगाना है, ठीक है ना, जो इस सेंटेंस में आपको अनलेस दिया है ना उसको हटा के आपको क्या रखना है, इफ। तो मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूँ, पहले मैं आपको सेंस बता देता हूँ, तो इसका मैंने सेंस के बताया, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करते हो यू विल फेल, तो आप फेल हो जाओगे। अगर मैं इसी वाक्य को अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया यदि आप मेहनत करते हो तो आप फेल नहीं होगे, एक ही बात है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ भैया यदि आप मेहनत करते हो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इफ। इफ का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि, तो क्या बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट फेल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख लेना, ठीक है ना, तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ, ओके, इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, इसका आंसर बनेगा, यदि आप मेहनत करते हो आप फेल नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, लुक एट हियर, तो देखिए अमन, सॉरी ये अमन नहीं है, अमेन है, एक्चुअली वो मिसप्रिंट हो गया है, अमेन इज वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अमन ही लिखा है वो, ठीक है ना, तो अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो अमन है ना वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द दिस एग्ज़ाम ईजिली। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब अमन क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत होशियार है, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजिली, वह इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता है। ओके तो आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, ठीक है ना, तो आपको जो ये सेंटेंस है ना, दो सेंटेंसेस है, ठीक है ना, इनको किससे कंबाइन करना है, सो देट से, किससे, सो देट से। तो आपको याद रखना है जब भी सो देट का मीन्स क्या होता है, इतना की, ओके, सो देट का मीन्स क्या होता है, इतना की। तो आपको क्या बोला गया है, अमन इज, अब वेरी की जगह सो आ जाएगा, वेरी की जगह आपको क्या रखना है, सो, तो अमन इज सो इंटेलिजेंट, और ये जो ही कैन है ना, तो ही जो ये फर्स्ट फुल स्टॉप है इसको हटाना है, ठीक है ना, अमन इज सो इंटेलिजेंट फुल स्टॉप को हटा के आपको क्या रखना है, दैट, क्या रखना है, दैट, ठीक है ना, फुल स्टॉप को हटा के आपको दैट रखना है, तो अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट, उसके बाद सेम टू सेम सेंटेंस को रख देना है, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजिली। ओके अमन इतना होशियार है कि वह इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता है, आंसर आप लिख लेना स्टूडेंट। ओके क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, देखिए दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, दे आर सेलिंग देयर हाउस, मतलब वे अपने मकान को बेच रहे हैं। ओके तो आपको क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके तो मैं आपको पहले प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, तो क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट पहले आता है, देन हैज़ हैव, सब्जेक्ट देन हैज़ एंड हैव, ठीक है ना, या तो हैज़ आगा या हैव आगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूँ हैज़ है ना, हैज़ किसके संग आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना उसके संग हैज़ आता है, और जो प्लूरल होते हैं उसके संग हैव आता है। तो यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट दिया है ना दे, ये क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो आंसर क्या बनेगा, दे हैव, ठीक है ना, सब्जेक्ट दे की जगह दे आएगा, अब बहुवचन है ये तो क्या लग जाएगा, हैव, ठीक है ना, तो दे हैव। अब जो इसमें हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओके स्टूडेंट्स, तो सेल की थर्ड जो सेल होती है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, क्या होती है स्टूडेंट, सोल्ड, ओके, तो आपको आंसर लिख लेना दे हैव सोल्ड, आंसर क्या बनेगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ठीक है ना, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, इट मीन्स वे अपना मकान बेच चुके हैं, ओके, इसको अच्छे से आप लिख लेना, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके, फिर भी मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इसी यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 2022 में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, ठीक है ना, तो देखिए शी स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, वह सच बोलती है, शी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलती है, अब इसको करना क्या स्टूडेंट्स, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो आपको इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, नेगेटिव में, तो मैं आपको ये बता दूं जो एक टेल किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो आपको याद रखना है इसको नेगेटिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनेट में किसका यूज करते हैं हम, डू या डज, ठीक है ना, नेगेटिव में क्या आता है, डू या डज आता है, ठीक है ना, तो डू आता है बहुवचन के संग, प्लूरल, जो बहुवचन करता होते हैं उनके संग आता है डू, ठीक है ना, और जो एक वचन होता है सिंगुलर होते हैं उनके संग क्या आता है, डज, ठीक है ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके संग डज आता है, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, शी, तो शी है ना वो क्या है, एक वचन करता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के संग जैसा कि मैंने बताया आपको क्या आएगा, डज, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, और ये एस और ये हट जाएगा, इसमें से एस हट जाएगा तो बन जाएगा भैया शी, फिर उसके बाद लिखना आपको डज नॉट, शी डज नॉट, ठीक है ना, फिर क्या लिखना है, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक्स में से ए सटा देना है और आपको लिखना है शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, इट मीन्स वह सच नहीं बोलती है, ठीक है ना, मतलब शी स्पीक्स द ट्रूथ मतलब वह सच बोलती है, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, वह सच नहीं बोलती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दे हैव बिन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, वे यहाँ पे सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे हैव बिन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, अब आपको इसको चेंज किस में करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट, आपको इस वाले सेंटेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैड बिन, तो उसकी साइक्रिया क्या होती है, हैड बीन, तो बहुत सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है, केवल आपको हैव बीन की जगह हैड बीन लगाना है और सब कुछ सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना, हैव बीन की जगह केवल हैड बीन लगाना है और आंसर सेम टू सेम लिखना है, तो आंसर क्या बनेगा, मैं बोल देता हूँ, दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ओके, तो आप आंसर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट ही इज टू इल, तो इसका मीन क्या होता है, वह इतना बीमार है टू गो स्कूल, कि वो कहाँ नहीं जा सकता, स्कूल नहीं जा सकता, तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, ही इज टू इल, मतलब वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है, अब इसको आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, री राइट दस यूजिंग, मतलब आपको फिर से लिखना है किसका यूज करते हुए, सो देट, ठीक है ना, तो सो देट का मीन्स क्या होता है, इतना की, ठीक है ना, टू टू का मीन्स भी होता है इतना की, बट सो देट में क्या रखना है आपको, याद में आपको लिख के बता देता हूँ, इसका आंसर लिख लेना, देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट, ही इज, ठीक है ना, ही इज सो इल, ठीक है ना, आंसर लिख लेना, ही इज सो इल दैट, ठीक है ना, दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ही कैन नॉट, उसके बाद सेम टू सेम लिख देना है, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना, या ही कैन नॉट गो स्कूल, इसका आंसर ये बनेगा, ओके, तो ही सो इल दैट ही कैन नॉट गो, उसके बाद स्कूल लिख लेना, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर था, तो इसका भी मीन यही होता है कि भैया ही सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ओके, लुक एट हियर, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, जो लंबा व्यक्ति है वो क्या है, एक डॉक्टर है, ओके, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, और जो लंबा व्यक्ति है ना वो किससे बात कर रहा है,
मेरे पिताजी से। ओके, तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, कंबाइन द सेंटेंस, ठीक है ना, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग हु। तो आपको हु का यूज करना है, इट मीन्स रिलेटिव क्लोज, जो मैंने आपको ऊपर जस्ट अभी कुछ समय पहले एक्सप्लेन किया था। तो सेम पिच का क्वेश्चन है, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, जो लंबा व्यक्ति है वो एक डॉक्टर है। द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, तो आपको मैंने बताया था कॉमन सब्जेक्ट को हटा देता है, जो कॉमन सब्जेक्ट होता है द टॉल मैन यहाँ पे भी है और द टॉल मैन यहाँ भी है, तो द टॉल मैन ये वाला नेक्स्ट वाला हट जाएगा, ठीक है ना, और उसकी जगह आपको केवल क्या रखना है, हु, क्या रखना है, हु, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर हु इज टॉकिंग टू माई फादर। ओके, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ से हु इज टॉकिंग, ये इससे चालू करना है, हु इज टॉकिंग टू माई फादर, आंसर क्या बनेगा, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर हु इज टॉकिंग टू माई फादर। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो टॉल लंबा व्यक्ति है वो क्या एक डॉक्टर है, जो किससे बात कर रहा है, मेरे फादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, आई एम इल, तो इसका मीन्स क्या होता है, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। तो स्टूडेंट सो का मीन्स क्या होता है, इसलिए, ठीक है ना, तो वो सिंपल आंसर है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल आपको ये लिखना है, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब इस वाले फुल स्टॉप को हटा के आपको रखना है, ये फुल स्टॉप को हटा के सो रखना है बीच में, और सेम टू सेम आंसर लिख देना है। ओके, तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो सो का मीन्स होता है इसलिए, ठीक है ना, क्या होता है, इसलिए। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, भैया मैं बीमार हूँ इसलिए कहाँ नहीं जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो अच्छे से आप इसको रीड आउट करना, अच्छे से इनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ही टीचर्स हिंदी, तो इसका मीन्स क्या होता है, ही टीचर्स हिंदी, मतलब वह हिंदी सिखाता है, वह हिंदी सिखाता है। अब आपको इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, चेंज द सेंटेंस इंटू पैसिव वॉइस। अब एक्चुअली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव वॉइस आने चाहिए, आपने एक्टिव पैसिव वॉइस सुने होंगे, अगर वो आपको आते तभी आप इस आंसर को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ना, इसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रखते हैं ऑब्जेक्ट, क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर, इज एम और आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय सब्जेक्ट, देन बाय सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये मैं आपको लिख रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ, हो सकता है आपको राइटिंग में कन्फ्यूज़न हो रही हो, ठीक है ना, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मैंने आपका स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। जब भी प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव होता है ना, तो पैसिव का स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है। अब इज एम आर मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, ऑब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन है मतलब प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है अपना, हिंदी, तो हिंदी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग क्या आएगा, इज। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी इज, आंसर क्या बनेगा, हिंदी इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, जो क्रिया होती है ना उसकी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो टीच की थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जितने भी पैसिव होते हैं ना सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हिंदी इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो हिंदी इज टॉट बाय हिम, इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट, क्या बनेगा, लिख लेना, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना। ओके, तो देखिए इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, देखिए, हिंदी इज टॉट बाय हिम, आंसर बनेगा हिंदी इज टॉट बाय हिम, इट मीन्स उसके द्वारा हिंदी सिखाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, अब जो चिल्ड्रंस है ना वो क्या बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं। इसका मीन क्या होता है, चिल्ड्रंस आर मेकिंग टॉयज, बच्चे खिलौने बना रहे हैं। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस अगेन, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। अगर एक कंटिन्यूस का एक्टिव है ना, तो आपको केवल बींग लगा देना है, क्या लगा देना है, बींग, ठीक है ना। जो मैंने अबव, जो अभी मैंने ऊपर वाला आंसर समझाया ना, सेम टू सेम फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टॉयज, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे टॉयज, और टॉयज बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर, ठीक है ना। और केवल इसमें क्या लग जाएगा, बींग, क्या लग जाएगा, बींग, तो टॉयज आर बींग। अब थर्ड फॉर्म तो सब में आती है, मेड,
ठीक है ना, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, तो टॉयज आर बींग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है ना, आंसर लिख लेना आप बच्चों, चिल्ड्रन, ठीक है ना, तो टॉयज आर बींग मेड बाय चिल्ड्रन इसका आंसर बनेगा। इसका मीन ये होता है कि भैया जो खिलौने हैं वो बच्चों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ओके तो देखिए, देखो इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। अब देखो ये जो ये सेंटेंस है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, मतलब मिस अरेंज है, मतलब जो अरेंजमेंट है ना उसका बहुत गलत है। आपको क्या करना है, देखिए रीअरेंज द वर्ड, मतलब आपको जो शब्दों को फिर से अरेंज करना है, ठीक है ना, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके तो देखिए, तो जो ये सेंटेंस है ना ये क्या है, मिस अरेंज है, मतलब अच्छे से अरेंज नहीं किया गया, आपको अरेंज करना है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप लिख लीजिए इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, किसको फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट को। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए क्या है, चिल्ड्रन, ठीक है ना, चिल्ड्रन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब किसको खेल रहे थे, फुटबॉल को, ठीक है ना, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, आंसर लिख लेना इसका आंसर, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, तो उसका मीन क्या होता है, जो दिल्ली है ना वो क्या है, लार्जर है, किससे, भोपाल से। अब आपको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। तो आपको डिग्रीज आपको मैं बता देता हूँ, एक्चुअली तीन तरह की डिग्री होती हैं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके जो ये सेंटेंस है ना किस में है, कंपेरेटिव डिग्री में है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कंपेयर की जा रही है दिल्ली और भोपाल की, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो आप आंसर लिख लेना, सबसे पहले आपको भोपाल लिखना है, भोपाल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर में बोल देता हूँ, भोपाल इज नॉट, भोपाल इज नॉट सो लार्ज देन दिल्ली, ठीक है ना, आंसर बनेगा इसका, भोपाल इज नॉट सो लार्ज देन दिल्ली, ठीक है ना, जो पॉजिटिव में, पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, सो, ठीक है ना, सो इज, मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना है भोपाल इज नॉट, ठीक है ना, लिख देना भोपाल इज नॉट सो लार्ज, ठीक है ना, सो लार्ज एज दिल्ली, ठीक है ना, आंसर क्या बनेगा इसका, भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली, ठीक है ना, मतलब भोपाल इतना लंबा नहीं जितना कि दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शी शट द डोर, तो इसका मीन क्या होता है, उसने दरवाज़ा बंद कर, उसने दरवाज़ा बंद किया, ठीक है ना, आपको किस में चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, जैसे ही डिड हिज वर्क वेल, जो क्वेश्चन था ना बेटा, ही डिड हिज वर्क वेल, मतलब उसने अपना काम अच्छे से किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेम पिच का क्वेश्चन है, शी शट द डोर, मतलब उसने दरवाज़ा बंद किया। ओके अब किस में बनाना है, नेगेटिव में, ठीक है ना, नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ठीक है ना, फिर भी मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर बनेगा शी डिड नॉट शट द डोर, आंसर लिखना है ना, शी डिड नॉट शट द डोर, इसका आंसर बन जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ टेकन टी, तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ही हैज़ टेकन टी, मतलब वह चाय पी चुका है या वह चाय ले चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है, ठीक है ना। अब क्या बनाना है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में आपको याद रखना है साइकिल पहले रखते हैं और सब्जेक्ट बाद में, और सब कुछ सेम टू सेम रहता है, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, सब्जेक्ट बाद में। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, हैज़ ही, हैज़ ही, उसका सेम टू सेम, हैज़ ही टेकन टी, हैज़ ही टेकन टी, इसका आंसर लिख लेना, क्या बनेगा, हैज ही टेकन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, शी लिव्ड इन शिवपुरी, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, शी लिव्ड इन शिवपुरी, मतलब वह कहाँ रहती थी, शिवपुरी में। आपको क्या करना है, चेंज इनटू
इंटेरोगेटिव। तो सेम थिंग है, इस सेंटेंस को भी आपको किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव। अब आपको याद रखना है ये कौन सा सेंटेंस है, ये जो टेंस है ना वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट में ना जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड। तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है आपको डिड, डिड, ठीक है ना। फिर जो शी रखना है, डिड शी, उसके बाद वर्ब क्या है, लीव। तो डिड शी लिव इन शिवपुरी, डिड शी लिव इन शिवपुरी, ठीक है ना। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब ये इंटरोगेटिव आपको सेंटेंस बनाओगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, जो एंड में आपको क्वेश्चन मार्क ये जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा। ओके, तो डिड शी लिव इन शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, स्टूडेंट अनीता रीड द रामायण एवरी डे। तो इसका मीन क्या होता है, जो अनीता थी ना वो रोज़ रामायण को रीड करती थी, जो अनीता थी रोज़ रामायण रीड करती थी। चेंज क्या करना है, चेंज इन टू नेगेटिव, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए क्या बनेगा, अनीता जी, अनीता की जगह तो अनीता ही रखेंगे, ठीक है ना। तो अनीता की जगह अनीता, अब इस ये भी टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट। तो सेम पिच का क्वेश्चन है, अनीता डिड नॉट, आंसर लिख लेना, ठीक है ना, अनीता डिड नॉट रीड, उसके बाद सेम टू सेम लिखना है, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे, ये नेगेटिव इसका बन जाएगा। अब जो रीड है ना बेटा, ये सेकेंड फॉर्म होती है रीड की, आप याद रखना, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता तो यहाँ पे रीड्स लिखा होता ना कि रीड। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं स्टूडेंट। ओके, देखिए टी इज टू हॉट, तो इसका मीन्स क्या होता है, चाय इतनी गर्म है, टू ड्रिंक, मतलब इसको पी नहीं सकते, चाय इतनी गर्म है कि इसे पी नहीं सकते। तो इसको किस में चेंज करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो आपको टू टू की जगह पे क्या लगाना है, सो और दैट, ठीक है ना। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, टी इज सो हॉट, टी इज सो हॉट, उसके बाद क्या लगेगा, दैट, टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक, वी कैन नॉट ड्रिंक, ठीक है ना, मतलब चाय इतनी गर्म है कि हम इसको पी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट अनलेस इट रेन्स, तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, यदि बारिश नहीं होती है वी शेल गो टू स्कूल, तो हम कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, यदि बरसात नहीं होती हम स्कूल जाएंगे। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, मतलब वही है, आपको अनलेस के जगह पे, जो अनलेस है ना इसकी जगह पे क्या लगाना है भैया, इफ, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले सेंस बता दूँ, देखो इसका सेंस क्या होता है, अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है वी शेल गो टू स्कूल, हम कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे बोलूँ, यदि बारिश नहीं होती हम स्कूल नहीं जाएंगे, इसका मीन्स क्या था, यदि बारिश नहीं होती हम स्कूल जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ भैया, यदि बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो यदि लगाना है तो यदि के लिए इफ़ आ जाएगा, तो इफ़ इट रेन्स आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आपको अनलेस हटा के इफ़ लगाना है, तो आपको रखना है इफ़ इट रेन्स, तो वी शेल, अब इसमें क्या लगा देना है, नोट, केवल क्या लगाना है, वी शेल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। तो इसका मीन क्या होता है कि यदि बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 21, लुक एट इफ शी डज नॉट कम टू, सॉरी इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम, इसका मीन्स क्या होता है, यदि वह समय पे नहीं आती है, द टीचर विल पनिश हर, जो टीचर है उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। तो अब आपको जो मैंने जो ऊपर वाला सेंटेंस था, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या किया था, अनलेस की जगह पे इफ़ लगाया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इफ़ की जगह पे किसका यूज करना है, अनलेस का। तो फिर से अब हम इफ़ को क्या हटा देंगे और क्या लगा देंगे, अनलेस, इफ़ की जगह क्या लगा देंगे हम, अनलेस। तो आंसर मैं बोल रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ओके, तो देखिए अनलेस शी अब शी डज नॉट हट जाएगा, क्योंकि अनलेस का मीन्स ही क्या होता है, यदि नहीं, ठीक है ना। जो If does not होता है ना वो equal to होता है किसके, unless के, ठीक है ना। तो answer के बने क्या बनेगा, unless she comes on time, कम में s लग जाएगा, ठीक है ना। unless she comes on time the teacher will punish
हाँ ठीक है ना। तो देखो यदि वह समय पे नहीं आएगी तो टीचर उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। जो सेकंड क्लोज है ना सेम टू सेम रखना है, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, वह अमीर है वह खुश नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग यट। तो यट का मीन्स क्या था, फिर भी। यट का मीन्स क्या था स्टूडेंट, फिर भी। तो सिंपल है, आप बना ही लोगे, आप सेंस वाइज भी आपको समझ में आ गया होगा कि भैया वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। सेंटेंस क्या बनेगा, वह अमीर है। तो सिंपल है, ही इज रिच की जगह रिच लिखना है, अब बीच में क्या लगा देना है, यट। आपको जो फुल स्टॉप को हटा के क्या रखना है, यट। तो ही इज रिच यट नॉट हैप्पी, तो ये कॉमन सब्जेक्ट हट जाता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर क्या बनेगा, बोल भी रहा हूँ, ही इज रिच यट नॉट हैप्पी। नेक्स्ट दे प्लेड वेल, ये विल नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, वेल, ठीक है ना, वो मिस प्रिंट हो गया है। तो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, उन्होंने अच्छे से खेला, उन्होंने अच्छे से खेला, वे मैच को नहीं जीत सके। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो, तो आपको किसका यूज करना है, दो। तो दो का मीन्स क्या होता है, हालांकि। इसका मीन्स क्या होता है, हालांकि। ओके तो आपको क्या करना है, ये दो का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, हालांकि। तो आपको हालांकि रखना है, तो हालांकि क्या बन जाएगा इसमें, हालांकि उन्होंने अच्छे से खेला, ठीक है ना। आपको जो ये सब्जेक्ट है इससे पहले दो रखना है, जो दो है ना वो सब्जेक्ट से पहले रखना है, दे से पहले, ठीक है ना। दो दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छे से खेला, दे कुड नॉट विन द मैच, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट, मतलब हिंदी क्या है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, हिंदी इज नॉट सो। अब देखिए, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, मतलब हिंदी इतनी कठिन नहीं है जितनी कि इंग्लिश। अब क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री। आपको इसको किस में चेंज करना है, कंपेरेटिव डिग्री में। एक्चुअली ये किस में, पॉजिटिव डिग्री में, जो मैंने अभी कुछ समय पहले ऊपर समझाया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, जब भी कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है पहले आता है, मतलब इसमें लास्ट पोर्शन इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश को पहले रखना है। तो मैं इसका आंसर बोल देता हूँ, आप लिख लेना, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज, ठीक है ना, इसका क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज, ठीक है ना, जो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। ओके, जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसमें देन लगाते हैं, ओके, और मोर का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर बनेगा इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं स्टूडेंट, ओके, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ही टॉट इंग्लिश। तो इसका मीन्स क्या था, ही टॉट इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश सिखाता था। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ही टॉट इंग्लिश मतलब टीच की सेकंड फॉर्म लगी है ना, तो इट मीन्स ये पास्ट होता है, ही टॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश सिखाता था। चेंज द सेंटेंस इनटू परफेक्ट, ठीक है ना, इंडेफिनिट, सॉरी, चेंज द टेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इस टेंस को आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सिंपल है, तो सब ही की जगह ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ही टीच की फर्स्ट फॉर्म, टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच, टॉट है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, तो ही टीच, अब इसमें ES लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, तो जो टीच की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, टीचेस, तो ही टीचेस इंग्लिश, आंसर क्या बनेगा, ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है ना, लिख लेना, मतलब वह इंग्लिश सिखाता है। ओके तो स्टूडेंट्स, जो आज मैंने आपको, जो आज की क्लास थी वो डू एज डायरेक्टेड पे थी। अगर आपको 5 में से 5 नंबर लाने हैं, क्योंकि अपना टारगेट क्या चल रहा है, 80 out of 80, मतलब आपको 80 में से 80 नंबर लाने हैं, तो जो ये 5 नंबर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, आपको गेन करना है एनी हाउ। ओके तो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, ओके, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।